चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने बजट से ऐसे पहले मोबाइल पार्ट्स पर लगने वाले इनपुट ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। इसे 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। थोड़ा सा दबाव पड़ने पर पलट गए राहुल गांधी ने चुटकुला सुनाकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। काम मैंने किया क्रेडिट वह ले रहे हैं। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का राहुल गांधी पर पलटवार। मैंने नहीं दिया महागठबंधन का साथ इसलिए खा रहा गालियां। वैसे दिन अवैसी ने कही बड़ी बात। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है जो अपने इस्तेमाल का 70% से अधिक कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में उसे एक और बड़ा तेल कंपनी का भंडार मिला है जो उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। भंडार चीन के हेनान प्रांत में मिला है। जहां से निकली राहुल गांधी की यात्रा उसी इलाके में गई ममता बनर्जी। कहां मिलकर इन्हें हराना है। IMF की ओर से विकास के दर का अनुमान 0.2% बढ़ाया गया है। IMF का कहना है कि मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। धोनी फिल्मिंग की राह पर चलना चाहते हैं मैकुलम और स्टोक। इंग्लैंड के कप्तान का बड़ा बयान। 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद रखने का फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकर ने बताया कि हम कई मुद्दों को लेकर उस दिन सभी से हड़ताल करने का कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सहित कई किसान समूह इसका हिस्सा बनेंगे। ये कोई जगह है बुलेट मांगने की। हॉस्पिटल में ब्लड को बुलेट सुन बैठे कलेक्टर साहब। मरीज के परिजन को जमकर लगाई डांट। सांसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदत लोकतांत्रिक मूल्यों का चीर हरण करने वाले सांसदों आत्मचिंतित करें। गत 10 वर्ष में जिनको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से सबने संसद में अपना अपना कार्य किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में पूछ ले लोगों को, उनका नाम याद भी नहीं होगा, पर जिसने सदन में सकारात्मक काम किया है उसको ज्यादातर लोग आज भी याद कर रहे होंगे। किसान ऑनलाइन बेच सकते हैं अपनी उपज, घर बैठे बनवाए ई नेम लाइसेंस, खेती से जुड़े हर चीज को बेच सकते हैं ऑनलाइन। नीतीश कुमार की नई टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई। बीजेपी के दोनों ड्यूटी सीएम को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे संपूर्ण भाव से राज्य के मेरे परियोजनों की सेवा करेगी। हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता, ज्ञान बापी की SI रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। राहुल गांधी की यात्रा निकालते ही 150 नेता बीजेपी में शामिल। जिंदा जला पूरा परिवार यूपी बरेली में। पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। नीतीश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर सीएम योगी ने अपना प्रतिक्रिया दी है। कहा, हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानव स्थापित करेगी। लहसुन के भाव आसमान पर है। 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा इसका दाम। जियो रिलायंस कंपनी में निकली बंपर पदों पर भर्ती युवाओं के लिए गोल्डन चांस। 10वीं पास हो या 12वीं पास, झटपट करें ऑनलाइन आवेदन। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को दिया धोखा। सियासी हलचल पर बोले अवसी। जनवरी खत्म मगर ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर भारत के कई राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से मुश्किल और ज्यादा बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबूंदी का भी अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। गिल ने फिर तोड़ा भारतीय फैंस का दिल। अगले टेस्ट में प्लेइंग 11 से होगी छुट्टी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में कहा है कि गारंटी दे रहा हूँ कि देश में 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन यानी कि CAA लागू हो जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार में नई सरकार की गठन के साथ ही NDA एक्शन में आ गई है और RJD के खिलाफ पहला एक्शन लिया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ NDA ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए बीजेपी की नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। एक एक से चुनकर लेंगे बदला। ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले। ERCP पर भजनलाल सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार संग मिलकर MOU साइन कर लिया है। इससे 13 जिलों के 25 लाख किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा। पर किसान नेता रामलाल जाट ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि ERPC से MOU से राजस्थान को कम पानी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, केवल आम आदमी पार्टी ही लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकती है, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है। वहीं हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भोपाल में 103 साल के बुजुर्ग ने 49 साल की महिला से किया निकाह। हबीब का पहला निकाह नासिक में हुआ था, वहीं दूसरा निकाह लखनऊ में हुआ था और तीसरा निकाह भोपाल में ही हुआ है। ममता दीदी बनेंगी PM। राहुल गांधी के नया यात्रा में बंगाल में दिखाया गया यह पोस्टर। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से मध्यम वर्ग और नौकरशाही लोगों को इसमें कई उम्मीदें हैं, जिसमें टैक्स छूट से लेकर रोजगार का तोहफा भी मिल सकता है।
ईरान ने 15 दिन में दूसरी बार अंतरिक्ष में दिखाई ताकत, एक साथ 3 उपग्रहों को प्रक्षेपण से पश्चिमी देशों में हड़कंप। ओडिशा में रह रहे झारखंड बिहार यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, बंसलपुर तक चलेगी हटिया गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस। रविंद्र जडेजा के फैन के लिए बुरी खबर सामने आई है, वे दूसरी टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा हैदराबाद टेस्ट के दौरान उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। पीएम मोदी ने बच्चों को दी परीक्षा में सफलता के टिप्स, लेकिन माँ बाप की ले ली क्लास। मालदीव जा रहे चाइना के जहाजों को इंडोनेशिया ने खदेड़ा, समुद्र में दिखा रहे थे होशियारी। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली के आवास पर कल ईडी की टीम पहुंची, सीएम वहां मौजूद नहीं थे, वहां के कर्मचारियों से ईडी ने पूछताछ की। अभी खेल शुरू हुआ है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, सरकार गंवाने के बाद पहली बार नीतीश कुमार पर भड़के तेजस्वी यादव। सचिन तेंदुलकर ने भारत की हार को बताया अहम कारण, रिएक्शन ने मचाई खलबली। लालू यादव ईडी ऑफिस में मौजूद, बेटी रोहिणी आचार्य बड़की कहा, कितना गिरोगे गिदड़ो, अगर पापा को घर हो चाहिए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कल सब चल पड़े थे रील अडानी टाटा तक के शेयरों में तूफानी तेजी, प्री बजट रैली में बने 5 लाख करोड़। सोने और चांदी के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज भी गोल्ड के कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में यदि आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उससे पहले सौरों के रेट जान लेनी चाहिए। दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 62,900 रुपया प्रति 10 ग्राम का है, जबकि 22 कैरेट वाले सोने का दाम 57,650 रुपया प्रति 10 ग्राम का है। वहीं देखा जाए चांदी के रेट के तो यहाँ 76,000 रुपए प्रति किलो पे बिक रहा है। बिहार में 27 फरवरी को 15 राज्य की 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होगा, ईसीआई ने की घोषणा। रामलला की शरण में आ गए नीतीश कुमार, गुरु राम भद्राचार्य बोले, अब सही जगह पलटे हैं पलटू राम। ज्ञान भापी के बंद दरवाजों के पीछे क्या है सच जानने को सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हिंदू पक्ष नए सर्वे की करेगा मांग। बिहार पहुंच रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा, हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर है नजर। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है, लेकिन आज के घटनाक्रम से पता चला है कि बिहार में सभी पार्टियां और नेता पलटू राम ही है। कर्नाटक में हनुमान ध्वज को लेकर सदगर्मी सियासत आमने सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस का विरोध हुआ तेज। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने लोकसभा चुनाव के लिए कुछ दिन पहले ही गठबंधन की घोषणा की थी, रालेत की ओर से बताया गया है कि उनकी पश्चिमी उत्तर में 7 सीटों की चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। लालू यादव बोले, भोलेनाथ जोहर पीकर नीतीश कुमार को माफ कर देंगे। रोहिणी आचार्य बोली, नीतीश कुमार पर कभी भरोसा नहीं था, पता था एनडीए में जाएंगे। आसानी से होगा रामलला के दर्शन, अयोध्या के लिए ऐसे चलेगी 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, जो जम्मू हरिद्वार दिल्ली पंजाब से चलकर लखनऊ में ठहराव कर अयोध्या पहुंचेगी। इसमें 14 जोड़ी ट्रेनें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन से गुजरेगी, जहां श्रद्धालु आस्था के जरिए आसानी से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच सकेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने सांसद राहुल गांधी की यात्रा को 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी का करार दिया है। उन्होंने कहा है कि असल में हम 2024 के बाद सोचेंगे कि 2029 में कैसे जीतना है। 55 की चाय 65 का टोस, अयोध्या में सबरी रसोई की रेट लिस्ट हो गई वायरल, प्रशासन ने थमा दिया नोटिस। रिंकू सिंह के पिता घर घर जाकर करते हैं गैस सिलेंडर की डिलीवरी, वीडियो हो रही है खूब वायरल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जहां से अपना नया भारत जोड़ो यात्रा लेकर गुजरते हैं कांग्रेस का नामो निशान मिट जाता है, वह प्रेरणाहीन अहंकारी और उनमें नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं, वो केवल और केवल बीजेपी का स्टार प्रचारक बन गए हैं। और अयोध्या से करीबन 26 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस मस्जिद की पवित्र किताब कुरान, जो कि भगवा रंग की होगी। मस्जिद के डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अवतार शेख ने बताया है कि मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। कोविड-19 के वेरिएंट J1.1 भारत में इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल कर्नाटक में जहां 34 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं दूसरी ओर 3 मरीज की मौत हो गई। उधर केरल में कोरोना विस्फोट हुआ, जिसके कारण प्रदेश में 115 नए मामले सामने आ गए। इसी के साथ केरल में कोविड के कुल संक्रमित मामले 1749 हो गए हैं। ज्ञान भापी हिंदुओं को सौंप दे कहीं और बनाए मस्जिद, ASI रिपोर्ट के बाद लोगों ने विवादित मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी या सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट या एस्केलेटर लगवाने वाले प्रत्येक मालिक के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया जाना चाहिए, नहीं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। सपा नेता पर अखिलेश यादव की चेतावनी का कोई असर ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये पखंड और एक धोखा है। उनके इस बयान पर सपा नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। पार्टी प्रवक्ता IP सिंह ने रिएक्शन दिया है। सपा प्रवक्ता ने कहा है कि जो घर फूके वो अपनों चले हमारे साथ। आपकी बेटी बीजेपी से सांसद घोर सनातनी है, पहले उसे हिंदू धर्म सनातन धर्म की कमियों के बारे में समझा लेते। जब 5 वर्ष बीजेपी से कैंडिडेट मंत्री थे, तब 2 शब्द हिंदू धर्म के बारे में तो मुंह
मुंह से नहीं निकला। मुझे तो लगता है आप स्वामी जी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी के निशाने पर आ गया है। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है क्योंकि उसमें जमीनी सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ से कांग्रेस के पास लूट और चोरी का लाइसेंस है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे जलते क्यों हैं? राहुल गांधी ने ही बताया है इसकी वजह। उन्होंने बताया है कि वह जितना पैसा अडानी को देते हैं मैं उतना पैसा गरीबों में देता हूं। वो इसी राजनीति की वजह से जलते हैं मुझसे। 39 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव लेकिन 8 माह बाद भी जमीन पर काम जीरो। सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली में ऐसे सभी सरकारी और निजी स्कूल पहले की तरह खोल दिए जाएंगे। समय से पहले दिए गए विंटर वेकेशन समाप्त कर स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी जबकि उन्हें गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। ये खड़गे को क्या हो गया है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये मोदी ने कहा है कि मुझे जितना गाली देना है दो मगर मेरे खानदान पे मत जाओ। नेपाल के वीर गोरखा सैनिक यूक्रेन में रूस की सेना की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। नेपाल के इन सैनिकों को ना तो ठीक से पैसा मिल रहा है और ना ही जान गंवाने पर उनकी लाश नेपाल तक जा रही है। इसी के वजह से नेपाल की परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसी के साथ साथ नेपाल सरकार भी परेशान है। मुकेश अंबानी ने अपने जियो ग्राहकों को दे दिया बहुत बड़ा तोहफा जिससे जियो ग्राहक एकदम खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जियो एयर फाइबर सर्विस की यूजर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो कि कंपनी ने इसे 19 सितंबर को 8 शहरों में लॉन्च किया था और कुछ दिन पहले ही सर्विस की शुरुआत 115 शहर में हुई थी। अब यह देश के 262 शहरों में उपलब्ध हो गई है। कंपनी ने जिन राज्य के शहरों में इसकी शुरुआत की है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्य भी शामिल है। जियो एयर फाइबर की सर्विस आपके शहर में शुरू हुई है या नहीं इसकी जानकारी जियो स्टोर से ली जा सकती। मोदी बोले फोन का पासवर्ड परिवार को बताएं, घर में नो गैजेट जोन बनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष बोले मल्लिकार्जुन खड़गे फिर पीएम बने नरेंद्र मोदी तो देश में नहीं होगा अगला चुनाव घोषित होगा तानाशाही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा यह भी जा रहा है कि 19 दिसंबर को हुई बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस ने नए दलों से बात कर ली थी। अचानक सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम बनने के लिए बढ़ा दिया जिसके बाद नीतीश कुमार भड़क गए और पार्टी विपक्षी छोड़ने का फैसला कर लिया। सौरभ कुमार जी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मिला मौका। भारत उन 10 क्षेत्रों में शामिल था जिन्होंने काबुल में तालिबान द्वारा बुलाई गई राजनीतिक प्रतिबंधक की बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में भारत की तरफ से 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों को तबादला कर दिया है, इसमें 8 जिले के डीएम भी शामिल है। अग्निवीर सेना से रिटायर होकर नहीं होगा कोई परेशान, शुरू होगी कौशल वीर योजना। सेना के सूत्रों के अनुसार यह योजना नई शिक्षा नीति और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एनसीएफ के अनुरूप तथा इसे नेशनल स्क्रीम डेवलपमेंट काउंसिलिंग की मदद से तैयार किया जा रहा है जो भारतीय अग्निवीर सेनाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एसडीएम निशा शर्मा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति मनीष शर्मा ने की थी और सबूत मिटाने के लिए कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया था। मनीष शर्मा ही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां नाक और मुंह से खून निकल रहा था। 24 घंटे के भीतर ही हाई प्रोफाइल मर्डर का हो गया खुलासा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। लालू के मदद के लिए गई उनकी बेटी सांसद मीसा भारती को ईडी ने गेट के बाहर कर दिया। अंदर पूछताछ चल रही थी और बाहर समर्थकों की भीड़ नारेबाजी कर रही थी। 2G और 3G भारत में होगा पूरी तरीके से बंद, सरकार ने दिया निर्देश। दिल्ली में हर परिवारों को बचेंगे 2000 रुपए, आम आदमी पार्टी ने लेकर आया नया नीति। सौर ऊर्जा नीति के तहत 500 वर्ग मीटर तक फैली घरों के अंदर लगेंगे फ्री लाइट बिल कनेक्शन। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के सीमा पर रहने वाले लोगों से कहा है कि अगर कोई बीएसएफ पहचान पत्र दे तो ना ले, अगर ऐसा लिया तो एनआरसी के दायरे में आ जाएंगे। जापान के लिए वीजा मुक्त नीतियों को फिर से बहाल करने के लिए विचार करेगा चीन, विदेश मंत्रालय ने दिया संकेत। यूपी के कुछ जिलों में लगेगा 50,000 प्रीपेड मीटर रिचार्ज से मिलेगा बिजली बिल, आज से हो जाएगा काम शुरू। भारत देश के किसानों को इस बार मोदी सरकार की गारंटी है, देश के किसान काफी समय से पीएम सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली पैसे को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। सरकार इस बार बजट में यह पैसा बढ़ाएगी। मोदी सरकार 9,000 रुपए की रकम किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। पीएम किसान पर है मेन फोकस।
आज बदलेगा मौसम, बारिश भी होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग की भविष्यवाणी। वाराणसी में ज्ञान बापी मस्जिद के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पहले बड़ा हिंदू मंदिर था, उसे नगर शैली बताया गया है। रिपोर्ट में मंदिर के चार खंभों से ढांचे की परिकल्पना बताई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने ग्राहकों को दिया बहुत बड़ा झटका। फ्री में चल रहा है 5G इंटरनेट बंद हो जाएगा बहुत जल्द। 5G का नया प्लान लॉन्च होते ही रिचार्ज करवाना होगा, तभी चला सकते हैं इंटरनेट।